नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स। कंपैरिजन मतलब क्या है कि 5 और 3 अगर दो नंबर है तो इसमें से स्मॉलर और ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर नंबर है 5 तो हम उसके तरफ ये साइन देंगे और टेल जो है वो 3 के तरफ देंगे। तो ये हो गया हमारे सिंपल नंबर्स का कंपैरिजन। तो अभी हम सॉर्ट्स का कैसे कंपैरिजन करेंगे। बहुत ही सिंपल है सॉर्ट्स का कंपैरिजन करना। तो सॉर्ट्स का कंपैरिजन करना इज़ नथिंग बट क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास 6 अंडर रूट ऑफ 2 और 5 अंडर रूट ऑफ 5 है, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, कौन सा सॉर्ट ग्रेटर है कौन सा सॉर्ट स्मॉलर है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर a अगर स्मॉल है b से, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, अगर a अगर स्मॉल है b से, तो अगर हमने a स्क्वायर की वैल्यू ली तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी बी स्क्वायर मतलब स्मॉल ही रहेंगी बी स्क्वायर से। तो हम अभी ये सिंपली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे इन दोनों के स्क्वायर रूट्स हटने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अभी यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको अभी स्क्वायर करके आंसर निकाल लेंगे पूरे टर्म को, और ये भी सर्ट जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे पूरे इसको। तो आंसर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर है पूरा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 6 को भी लगेगा तो 36 होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर जब 2 को लगेगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा 2। ये ऐसे होगा ना स्क्वायर ऑफ रूट 2, तो स्क्वायर और रूट 2 मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा 2। सेम यहाँ पे भी होगा, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दी है बट ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दी नहीं है मल्टीप्लिकेशन की साइन बट बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो 5 अंडर रूट ऑफ 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर आएगा, पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर से स्क्वायर और अंडर रूट, अब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या होगा कैंसिल और सिर्फ क्या बचेगा 5। तो 36 2 का जो है वो आता है 6 12 कैरी 172, और 25 5 आता है 125। तो दोनों में से कौन ग्रेटर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है कौन सा 125। तो हम क्या बोलेंगे देयर फोर 72 किसका आंसर आया था 6 अंडर रूट ऑफ 2, तो 6 रूट 2 इज स्मॉलर देन 5 रूट 5, ऐसे हम कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट सर्ड है हमारे पास 8 अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 192, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे दोनों सर्ड्स को। तो कंपेयर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अभी देखा हमने दोनों नंबर का क्या कर लेना है हमको स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ देना और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे 192 का। स्क्वायर किया, ये बॉक्स ऐसे छोड़ दो, स्क्वायर करने के बाद ये 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर होगा तो वो सिर्फ 3 बचेगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 192 बचेगा। 64 3 जा जो है वो कितना आता है 3 4 12 कैरी 1, 3 6 जा कितना आता है 18 प्लस 192। तो देखिए दोनों का आंसर जो है वो सेम आया है 192। तो दोनों सर्ट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयर फोर 8 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 192। और एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते कंपैरिजन का, 7 अंडर रूट ऑफ 2 और 5 अंडर रूट ऑफ 3। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 7 का जो स्क्वायर है वो आता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, स्क्वायर और रूट कट होके 49 2 जो है वो कितना आता है 28
18 कैरी 1 एंड दिस इज़ अ 98 और 25 थ्री जार 75, तो इसमें कौन ग्रेटर नंबर है? 98 ग्रेटर नंबर है 75 से, देयरफोर हम क्या लिख सकते हैं, 7√2 इज़ ग्रेटर दैन 5√3। तो इस वजह से हम लोग सर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा सर्ड्स ग्रेटर है, कौन सा सर्ट स्मॉलर है। सब हमको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है पूरे सर्ट को और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब वो एक बार हमारा रैशनल नंबर में या ऐसे सिंपल नंबर में फॉर्म हो गया, फॉर्म होने के बाद उन दोनों को कंपेयर करना है, जो नंबर ग्रेटर आएगा वो सर्ट ग्रेटर। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स मतलब जिनके रेडिकेंट्स जो है वो इक्वल है, सेम है, उनका हम कैसे ऑपरेशन करेंगे या उनके ऊपर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों के अगर रेडिकेंट्स यहाँ पे सेम है तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही वे है, हम क्या करेंगे, दोनों में से वो रेडिकेंट कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 7। इसमें से √3 कॉमन निकाला तो 7 प्लस की साइन यहाँ पे 29, क्योंकि √3 ऑलरेडी कॉमन निकाला है, तो 7 + 29 होता है 36। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36, अगर आगे √3 लिखने के से बेटर है कि हम बाद में √3 लिखें। तो ये जो मैंने √3 यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से √3 और 7 + 29 का एडिशन 36 आया, 36√3, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7√3 - 29√3। तो यहाँ पे भी सेम ही इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ से दोनों में से √3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से √3 कॉमन निकला है तो 7 बचा, माइनस की साइन एज इट इज़, यहाँ से √3 कॉमन निकला है तो 29 बचा, तो ये 7 - 29 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर की आएंगी, 29 में से 7 जाता है तो 22 बचता है, साइन आगे 29 के ग्रेटर नंबर के आगे माइनस की साइन है तो यहाँ पे निगेटिव की साइन ही आएंगी, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है, पूरा हमने ध्यान मतलब हमारे ब्रेन में ये फिट कर लेना है, प्लस माइनस माइनस साइन किसकी आएंगी, ग्रेटर नंबर की। जब दोनों नंबर प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एडिशन ही होना है, जब दो नंबर अपोजिट साइड में है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की आती है, तो तुरंत यहाँ पे ग्रेटर नंबर की साइन हमने लगा ली, वो है माइनस। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो जब भी ये रेडिकेंट्स ऐसे सेम रहते हैं तो हम उनको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखें, मतलब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, तो यहाँ से √8 कॉमन निकलेगा तो सिर्फ 13 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा और बाहर √8 कॉमन निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, सबका LCM 2 निकालने के लिए सबको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, यहाँ पे नीचे 2 है ऑलरेडी तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, -5 × 2 = 10 आएगा, तो ये ऐसा आएगा और बाहर √8। हमने क्यों ऐसा किया, क्यों LCM निकाला, क्योंकि 2 यहाँ पे अपॉन में था तो इसको ऐसे 10 आएगा, तो ये ऐसा आएगा और बाहर √8। हमने क्यों ऐसा किया, क्यों LCM निकाला, क्योंकि 2 यहाँ पे अपॉन में था तो इसको ऐसे ये मल्टीप्लाई करते बैठो, फिर वो फ्रैक्शन की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उससे बेटर है कि सबको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और कॉमन 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया। यहाँ पे 2 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है, इसीलिए उसका जो न्यूमरेटर था वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। तो 26 + 1 = 27, 27 - 10 = 17 एंड डिवाइडेड बाय 2 √8, तो इसका आंसर क्या आया, 17 / 2 √8। बट ये जो है 8, ये फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये 17 / 2 इस 8 को ही हम लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8, राइट, 4 × 2 = 8 ये सिंप्लीफाई होता है, तो 4 × 2 = 8 सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे 17 / 2 अंडर रूट के बाहर 2 निकलेगा 4 का, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर निकल के 2 बनेगा, √2, सिर्फ अंदर 2 बचेगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में ये कैंसिल हो गया, इसका फाइनल आंसर आएगा 17 √2।
टू। तो हमको सिंप्लीफिकेशन में ये भी देखना है कि जो हमारी रेडिकेंट की वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं। अगर हमारी रेडिकेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। जैसे यहाँ पे रूट एट था तो रूट एट सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 into 2 ये इवन नंबर है तो वो सिंप्लीफाई होगा ही होगा, प्राइम नंबर रहता तो नहीं होता था, तो ये इवन नंबर है तो ये होगा, तो सिंप्लीफाई कर लिया तो हमको आंसर मिला 17√2। ये नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक भी रेडिकेंट जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी को भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इसके ऊपर भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे 8√5, ठीक है। उसके बाद ये रेडिकेंट सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है रेडिकेंट, 4 5 20 होता है तो हम 4 5 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, और 125 जो है वो है 25 5 होता है, राइट। तो 25 5, तो ये हमने क्या किया, रेडिकेंट को फैक्टराइज किए, फैक्टर्स में लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, क्योंकि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, अंडर रूट में सिर्फ 5 बचेगा। सबका रेडिकेंट इक्वल कर लिया हमने सिंप्लीफाई करके। अभी हम क्या करेंगे, फिर रेडिकेंट को कॉमन निकालेंगे, 8 + 2 - 5 √5 कॉमन निकला, सबसे √5 क्या निकला है, कॉमन निकला है। तो 8 + 2 इज वॉट, 10 - 5 कितना बचा, 10 - 5 प्लस माइनस, माइनस साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी, 10 - 5 क्या है, 10 - 5 इज वॉट 5, और साइन ग्रेटर नंबर की 10 के आगे प्लस है तो +5 आएगा, √5। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो गया मल्टीप्लाई जो है हमारा, √7 into √42 का मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे सर्ड्स का, तो कुछ नहीं है, हमको सीधा सीधा अंडर रूट के नीचे अंदर दोनों भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 42 जा कितना आता है, 42 रूट के बाहर आएगा तो कितना बचता है, 7 42 अगर हमने किया तो 7 6, इसको हम लोग ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 42 इज इक्वल्स टू 7 6 42, तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 7 है तो 1 7 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा और अंदर सिर्फ 6 रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आए, रैशनल नंबर भी आ सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अगर मेरे पास ये वैल्यू है √50 into √18 अगर मेरे पास वैल्यू है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो 50 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 25 2 50 मल्टीप्लाइड बाई 18 को भी इसके नीचे लिखना है, 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 18। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 9 भी परफेक्ट स्क्वायर और 5 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर निकल के 5 बचेगा, 25 का परफेक्ट स्क्वायर, 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर रूट के 5 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा, अंदर सिर्फ कितना बचेगा, √2 into 2 into 2। तो देखिए रूट के अंदर दो वैल्यू सेम है, वो भी बाहर निकल जाएंगे और रूट हट जाएगा, 5 3 15 15 2 30। तो ऐसे भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमको सिर्फ क्या करना है उसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और देखेंगे उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके होता है क्या, अगर वो किसी के इन टर्म्स ऑफ कोई परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है तो उसको लिख लेना और वो स्क्वायर रूट के बाहर परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज लिख लेंगे तो हमको अपने आप मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम सिंपली डिवाइड करने के लिए हमको अंडर रूट के अंदर इन दोनों को कैसा डिवीजन में लिख लेना है। तो ये तो डिवाइड अंडर रूट के अंदर भी डिवाइड हो सकता है, 5 5 5 20 5 1 5 5 25 125, तो अंडर रूट के अंदर 25 आया और परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो बाहर सिर्फ 5 निकलेगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो आंसर्स निकले हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों भी रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर आएंगे या सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर आएंगे। तो ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड्स ये हमने अभी देखा पूरा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स।
देखिए यहाँ पे रूट टू को अगर मैंने रूट टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे रूट फोर वैल्यू मिल रही है, और उसके बाद हमको एक रैशनल नंबर मिल रहा है टू। टू क्या है वहाँ पे? रैशनल नंबर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रूट टू जो है इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर, इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट टू। तो हमको ये जो है वो कैसे आया? तो देखो, अगर दो सर्ट्स की, कोई भी दो सर्ट्स की अगर प्रोडक्ट करते हैं और उसका नंबर हमको रैशनल, ये लाइक सर्ट्स हो सकते हैं, वो अनलाइक सर्ट्स हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि लाइक सर्ट्स ही होने चाहिए, ये लाइक सर्ट्स भी हो सकते हैं या अनलाइक सर्ट्स भी हो सकते हैं। तो जब दो सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर रियल नंबर आ रहा है, या उसका ये मतलब दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो जो रैशनल नंबर आ रहा है आंसर, उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर आया था, वो जो है वो क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो गिवन नंबर का। तो अगर हमने रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट एट किया, तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं, फैक्टर ऑफ रूट टू। तो हमको ये जो है वो कैसे आया? तो देखो, अगर दो सर्ट्स की, कोई भी दो सर्ट्स की अगर प्रोडक्ट करते हैं और उसका नंबर हमको रैशनल, ये लाइक सर्ट्स हो सकते हैं, वो अनलाइक सर्ट्स हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि लाइक सर्ट्स ही होने चाहिए, ये लाइक सर्ट्स भी हो सकते हैं या अनलाइक सर्ट्स भी हो सकते हैं। तो जब दो सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर रियल नंबर आ रहा है, या उसका ये मतलब दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो जो रैशनल नंबर आ रहा है आंसर, उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर आया था, वो जो है वो क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो गिवन नंबर का। तो अगर हमने रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट एट किया, तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एट जा 16, और आंसर 16 का परफेक्ट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 16, 4 का। तो देखिए यहाँ पे भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है, दोनों सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन जो है, यहाँ पे रैशनल नंबर आया, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि रूट एट इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट टू, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रूट टू इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट एट, दोनों भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, सिंपली हमने देखा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कैसा होता है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स जो होता है किसी भी सर्ट्स का, वो इट्स नॉट अ यूनिक, ठीक है। अगर कोई सर्ज है, एंड इफ अ सर्ज इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्ज, देन सर्ज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग विथ एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ ही उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, और ऑल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ गिवन सर्ज। तो हमको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है, कोई भी सर्ज का, गिवन सर्ज का, वो यूनिक नहीं रहेगा, उसके और भी बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स रह सकते हैं। यहाँ पे रूट टू इंटू रूट एट करने के बाद अगर रैशनल नंबर आया 4, तो कोई भी नंबर, कोई भी दूसरा ऐसा होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट हमको यही ध्यान में रखना है कि हम जब रैशनलाइज करेंगे फैक्टर्स को, तो हमको रियल नंबर अगर मिलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दैट फैक्टर इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, मतलब दैट सर्ड इज़ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है। तो जैसे अभी 1/√5 है, तो इसको कैसे रैशनलाइज करना है? बहुत सिंपल है, 1/√5 लिख लेना है और रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। मतलब क्या करना है? डिनोमिनेटर में जो रेडिकेंट है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद 1/√5 रूट 5 आएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 5 का स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर और रूट 5 कैंसल, तो रूट 5/5 ये क्या आया, हमको आंसर मिला।
ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और हम दूसरा डिनोमिनेटर देखते हैं कैसे रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो हमारे एक्सरसाइज में पूछा गया है 2.3, तो वो देख लेते हैं। तो 3/2 √7, इसको हम इसका डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज करेंगे, पहले तो गिवन नंबर हमने लिख लेना है। गिवन नंबर लिखने के बाद देखिए नीचे जो रेडिकेंट है उससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 3/7/2 दोनों का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, दोनों का डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, तो √7 √7 सेम है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल, 3/2 √7 राइट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 7 ही बचा अंदर, तो 3/7/14 ये क्या आया उसका आंसर। तो हम इस वे से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। और अभी तक जो हमने पूरे प्रॉब्लम्स देखे उसके मतलब उसको रेफर करके हम लोग प्रैक्टिस से 2.3 पूरा सॉल्व कर सकते हैं स्टेट बोर्ड के बुक में से। तो ये हो गया हमारा पूरा rationalization of surds।